श्री महाकाल जय माँ कामाख्या भगवती काम रूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे और निरोग काया प्रदान करे, हमारे यही शुभ आशीष है। आज का जो कंसेप्शन है वो तंत्र विद्या के ऊपर है, क्योंकि लोग तंत्र के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। लोग तंत्र करना तो चाहते हैं किंतु लोग उसे डरते ज्यादा हैं, क्योंकि आज के समय में हमने लोगों को देखा है कि लोग हमारे पास प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं तो वो पूछते हैं हमसे कि गुरु जी हम तंत्र विद्या को सीखना चाहते हैं, तंत्र के द्वारा भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवती के मार्ग पे जाना चाहते हैं और भगवती के असीम स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारी असल सभ्यता के अनुसार कालांतर से पूजा आ रहा था। किंतु कुछ लोग मतलब लोगों के मन में ये जो है भय रहता है कि तंत्र जो है उससे बुराई होता है, सिर्फ ऐसा तो कुछ नहीं है तंत्र के द्वारा, क्योंकि लोगों के अगर जीवन में कोई समस्या भी आ जाए तो वो उसको मेडिकेटेड लेकर के नहीं जाएंगे, वो ये बोलेंगे कि हमारे जीवन में अगर समस्या आ गया तो हो सकता है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया हो, है ना। तो मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होगा, लेकिन तंत्र की जो असल छवि है उसको तो बर्बाद कर दिया ना इन्होंने। यह तो एक यथाकथित तांत्रिकों के द्वारा हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको अपनी मोनोपोली बना लिया ना कि तंत्र के ऊपर हमारे अधिकार है, क्योंकि हर कोई बोलता है तंत्र के अंदर कि इसमें गुरु का होना विशेष है, समझे। तंत्र के अंदर गुरु यदि नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते, तो वही ना मोनोपोली हो गए ना इसके ऊपर कि हाँ सिर्फ यही व्यक्ति कर सकते हैं या इन्हीं व्यक्तियों को अधिकार है तंत्र को करने का, है ना, कि एक विशेष वर्ग के लोगों को इसको अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है, तंत्र को तो बोला जाता है सिस्टम और ये सभी के लिए इसके मार्ग खुले हैं और इसके द्वारा कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता, याद रखिए। तंत्र तो जीवन जीने की राह है, इसके द्वारा लोगों का भलाई होता है, क्योंकि कली काल के अंदर जो तंत्र शिव के मुख से निकला है, शिव के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्या वो चीज गलत हो सकती है, समझे। भगवत गीता जिस समय शिव के मुख से नहीं निकली है लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है उसको निकाला अपने मुख से, है ना। चार वेद जो है भगवान ब्रह्मा के मुख से निकले, लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, भगवत गीता को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लोग तंत्र को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। एक्सेप्ट तो करते हैं लोग तंत्र को, लेकिन उसके नाम से डरते हैं अधिक। वो बोलते हैं कि तंत्र के द्वारा कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, या तंत्र के द्वारा हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आ जाए, या फिर हम जो है तंत्र के द्वारा किसी मुसीबत में या किसी पछड़े में ना पड़ जाए। लेकिन हम यहाँ पे इन सभी चीजों का खंडन करते हैं। जैसे कि एक बिजली की नंगी वायर है, अगर उसके ऊपर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसके अंदर से करंट प्रवाह होता है ना, अगर आप उसके ऊपर जो है सिलिकॉन की परत नहीं चढ़ाएंगे तो शायद आप जो है करंट लग जाएगा आपको, है ना। तो उसका एक नियम है, एक सिस्टम है कि अगर आप उसको जो है सिलिकॉन की परत चढ़ा देंगे आप उसके ऊपर करंट की तार को, तो वो आपको कभी भी जो है नुकसान नहीं देगी, अभी तो आपका घर रोशन कर देगी, आपके जो है जीवन में जो है उसके पॉजिटिव जो है रोल जो है अपने प्ले करेगी आपके जीवन के अंदर वो। लेकिन जो तंत्र है वो उसकी जो मतलब यही सिस्टम है ना उसका तंत्र का, कि आप इसके अच्छी चीजों को तो जो है बशर्ते आप देखते नहीं, आप इसके जो है बुरी चीजों को और जो है ज्यादा ध्यान देते हैं। तंत्र का सिर्फ यही रीजन है कि तंत्र को जो है इसके रूल्स को फॉलो करिए, इसको अधिक से अधिक जाने, क्योंकि तंत्र का हिंदी अनुवाद भी सिस्टम है। सिस्टम को सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चला जाए ना तो वो आपके लिए कभी हानिकारक नहीं हो सकता, अभी तो आपके जीवन की सभी समस्याओं को वो हल करने के लिए जो है बहुत है। अब जैसे गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, अब 22 जून से जो है गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, और साथ ही आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज ही के दिन माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या का अम्बुवची महापर्व आरंभ हो रहा है, और आज ही के दिन तांत्रिकों के लिए तंत्र सिद्धि को बढ़ाने का, अपनी तंत्र सिद्धि से अधिक लोगों का प्रचार करने का और तंत्र को जगत के द्वारा जगत का कल्याण करने का, ठीक, तंत्र के द्वारा अपना जो है एक स्टैंड अप बनाने का कि तंत्र जो है अच्छा है, बुरा नहीं है, तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, तंत्र से बुरा नहीं होता है, ऐसा मतलब प्रूफ करने का साधकों के पास ये समय आता है, क्योंकि इस समय साधक जो सिद्धि करता है उसका 10 गुना साधक को मिलता है। कामाख्या के अंदर माँ भगवती कामरूपिणी जो है वो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाती है, महामुद्रा स्वरूप में विद्यमान हो जाती है भगवती, योनि मुद्रा स्वरूप में माँ भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी कामाख्या में विद्यमान हो जाती है, तो उस समय तंत्र का महाउत्सव लगता है जिसको अम्बुवची पर्व बोला जाता है, जिसपे कुछ समय में की गई साधना भी सफल हो जाती है, कुछ समय में किया गया मंत्र जाप भी सफल हो जाता है, तो लोग उसका प्रयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं अपने जो है समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। लोग जो है ये चीज समझते हैं कि तंत्र के द्वारा बुरा होता है, ऐसा नहीं होता, याद रखिए। आज के दिन लोग कैसे भगवती की साधना कर सकते हैं, क्योंकि लोग करना तो चाहते हैं किंतु वो कर नहीं सकते। लोग सात्विक विधान से घर पे बैठ करके माँ कामरूपिणी कामाख्या की साधना घर पे बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। हम उनको बता दें कि किस विधि से उन्होंने इस बार माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या की साधना करनी है। उन्होंने क्या करना है कि 7 कुओं की उन्होंने मिट्टी लानी है, अगर 7 कुओं की उनको मिट्टी ना मिले तो 7 स्थानों की वो मिट्टी ला सकते हैं या 7 देवालयों की वो मिट्टी ला सकते हैं। उसको आकार देना है एक योनिका के स्वरूप का, ऐसा एक जो योनि के स्वरूप का उनको ऐसे आकार देना है उन्होंने,
तो उसको इस आकार देके उसके ऊपर जो है उन्होंने सिंदूर चढ़ाना है, आलता चढ़ाना है, ठीक, उसको गंगा जल से मिला करके उसको आकार देना है, उसके ऊपर सिंदूर चढ़ाना है उन्होंने, आलता चढ़ाना है, रोली मोली अक्षत और जो है चढ़ाना उसके ऊपर, 16 श्रृंगार उसको अर्पित करना है उन्होंने, ठीक, उसके अंदर जो है जंपा के मालती के मोगरे के जो है उन्होंने उसके ऊपर पुष्प समर्पित करने हैं, उसको भगवती कामाख्या का स्वरूप मानना है, क्योंकि हृदय से जो चीज, क्योंकि भगवती को हृदय की चीज ज्यादा प्रिय होती है, तो जो चीज हृदय से निकलती है तो वही चीज जो है लोगों के सामने जो है प्रदर्शित करनी पड़ती है, भगवती भी उसी चीज को जो है अधिक प्रसन्न होते हैं जो हृदय से निकलता है, तो हृदय से जो है भगवती का ध्यान करना है और भगवती को जो है बुलाना है आपने बोल करके, ओम आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्पण निशूदनी पूजा गणहाम सुमुखम नमस्तकम शंकरम प्रियाम कामेश्वरी नमः। तो ये बोल करके आप जो है इस प्रकार से योनि के आगे भगवती का आप ध्यान कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं, इस प्रकार से आप उसका प्रतिष्ठान कर सकते हैं। विचरितनम रचनखणे दिव्यम स्वर्ण स्वर्ण सिंहासनम चारुग्रही महाकाली एवं कामाख्या देवी स्थितम। तो ऐसा बोल करके आप भगवती को आसन दे सकते हैं, उसके बाद आप भगवती को आचमन दे सकते हैं, जल से आप भगवती को जो है नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, आप भगवती को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, बोलते हैं अलग बोल रहे हैं अलग अलग चीजों से भगवती का श्रृंगार कर सकते हैं, बोले भगवती को दधि स्नान करवा सकते हैं, आप दुग्ध स्नान करवा सकते हैं, मधुपंक से स्नान करवा सकते हैं, बलापहारिणीम दिव्यम स्नान प्रतिष्ठा बोल करके अलग अलग नदियों से जो है जल से भगवती को स्नान करवा सकते हैं, जैसे बोला भी जाता है गंगा चमुना च गोदावरी नर्मदाम च सिंधु कावेरी स्नान समुद्र वसने जले समर्पयामि इदम श्री दक्षिण काली माता सहित श्री कामरू कामाख्या देवी समन्वित, मतलब बोल करके इसको जो है भगवती को आप जो है समर्पित कर सकते हैं, माँ का जो है आप अलंकृत श्रृंगार कर सकते हैं आप जो है। और एक चीज याद रखिए, इस समय महामुद्रा का समय होता है, जो ये पूजा आप करते हैं आप इसको मतलब गोपनीय रखें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का ये मीनिंग यही होता है कि आप अपनी गुप्त साधन को अपनी गुप्त इच्छाओं को भगवती के सामने प्रकट करते हैं, और माँ तो वैसे ही दयालु है, वो तो आपकी वैसे ही सभी इच्छाओं को सभी मनोरथों को जानती है, तो उसके सामने एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये है कि तंत्र में भी बोला जाता है कि महागुप्त भावम मया लोक मध्य प्रकाशिकतम, अर्थात कि इसको ये इतना ज्यादा मतलब सीक्रेसी में होता है कि लोगों के सामने आप इसको शो नहीं कर सकते हैं ना, तो जो करते हैं अपने लिए करते हैं, लोगों के लिए तो नहीं करते ना, तो मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको इसको अलग एक स्थान के अंदर जो है मंदिर के अंदर अपने स्थापित आप इसको कर सकते हैं, भगवती को अलग अलग जो है चीजों से आप श्रृंगार करवा सकते हैं, भगवती को जो है करवाने के पश्चात आपको सफेद वस्त्र से इसको ढक देना है, अच्छे से कवर कर देना ऊपर तक सफेद वस्त्र, याद रखिएगा, उसके ऊपर आपने आलता चढ़ाना है, ऊपर से श्रृंगार चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, उसके ऊपर आपने प्रतिदिन भगवती का आरती उतारना है, जो कुछ आपको घर में बने यथा एव अपनी इच्छा अनुसार भगवती को समर्पित करना है, बोलते हैं ना नवेद्यम ग्रह में हरांचल कुछ सार में वर्दिम खाद्य शिषण है भक्षम भोजन नवेद्यम प्रतिग्रंथरा, मतलब बोल करके भगवती को आप नवेद्य समर्पित कर सकते हैं, भगवती को आप भगवती को एकदम तांबू फलम प्रतिष्ठा बोल करके आप तांबू फल भगवती को जो है समर्पित कर सकते हैं, या फिर इति ऋतु फलम जो है समन्वित मतलब बोल करके आप ऋतु फल जो है भगवती को समर्पित कर सकते हैं, भगवती को मतलब भगवती भाव की भूखी है, देखे ना, तो आप अधिक से अधिक भगवती को चीजें समर्पित कर सकते हैं, भगवती की आरती उतार सकते हैं आप अधिक से अधिक। जिस समय ये 3 दिन की पूजा है सिर्फ आपको 22, 23, 24, 25, 26 और 27 की शाम को उसको खोलना है, मतलब वैसे कामाख्या में 3 दिन का होता है, लेकिन इस बार जो अंबुबची में मतलब जो गुप्त नवरात्रि तक ये पूजा चलती है, तो आपकी 29 तक जाकर के 30 तक जाकर के महानवमी पड़ता है, तो पूर्ण नवरात्रि में आप ये चीज कर सकते हैं, तो उससे जितना अधिक आप करेंगे उतना अधिक आपके लिए फायदेमंद है ना, तो आप इसको अधिक से अधिक कर सकते हैं। और करने के पश्चात आपको जो है क्या करना है, मतलब जिस समय आपकी पूजा पूर्ण हो जाए इतने दिन के पश्चात आपने उसको उठा करके जो है पुष्पों के अंदर रख करके अपने सर के ऊपर रख करके अपने जो है उसको जल प्रवाह करके आना चाहिए, बहते जल के अंदर आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, ज्योति उतने दिन तक लगातार उसके अखंड जगनी चाहिए देवी माँ की, है ना, और ये एक तंत्र का महाविधान है समझे, जिसको जो है भगवती का जो है षोडश कलात्मनी पूजा बोल करके या फिर भगवती की जो है क्रिया कलात्मनी पूजा बोल करके कहा जाता है, तंत्र का महानुष्ठान है जो एक आम व्यक्ति भी कर सकता है, मतलब लोग बोलते हैं कि तंत्र से जो तांत्रिकों के लिए नहीं, तंत्र सभी के लिए, ठीक, तो मतलब जल प्रवाह करके आ सकते हैं, उसके बाद आप कुमारी पूजन करिएगा यथाएव अपनी श्रद्धा अनुसार और यथाएव अपनी गुंजाइश के अनुसार, ये जो आपकी साध्यता के अनुसार आप कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, तो ये चीज जो है आपके लिए जो है विशेषता है जो आप इस समय कर सकते हैं, और ये तंत्र के महान अनुष्ठान पे भगवती कामरूपिणी की स्थापना अपने घर पे कर सके, उनका जो है आवाहन और उनका लास्ट में विसर्जन भी आप कर सकते हैं, तो जिससे भगवती की कृपा वर्ष भर और जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि तंत्र तो ऐसी चीज है जो आपको इस जीवन में तो उतारती है आपके अगले जीवन को भी ये उतारती है ना, क्योंकि तंत्र के द्वारा हर चीज संभव है, आज के समय में जो लोगों को सुरक्षा दे सकती है वो एक ही चीज है, वो है सिर्फ तंत्र, और लोगों को इसको समझना चाहिए, अधिक से अधिक इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति है, आप दवाइयां भी खाते हैं ना, तो इसके ऊपर भी एक तंत्र ग्रंथ है, रस तंत्र, तंत्र तो सिस्टम को बोला जाता है सिर्फ,
बोलते तंत्र सिर्फ सिस्टम को ही, अगर आप इंग्लिश के अंदर इसका मीनिंग निकाले, सिर्फ सिस्टम जो भक्ति का सिस्टम है ना उसको सिस्टमेटिकली चलो, बस यही चीज बोलता है तंत्र। और इसके सिवा इसका कोई गलत मीनिंग नहीं है इसका। ये तो सिर्फ यथाकथित तांत्रिकों ने इसका एक स्वरूप बदल रखा है कि तंत्र के द्वारा बुरा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसा होता है क्योंकि तंत्र के अंदर दो तरह की शक्तियां काम करते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव शक्तियां होती है वो आप लोगों का काम खराब करते हैं, बशर्ते पॉजिटिव जो शक्तियां होती है वो हमेशा आपके कार्य को सिद्ध करती है, आपके कार्य को बनाती है और आपको कभी जीवन में भटकने नहीं देती। तो यही चीज होता है जो तंत्र होता है वो अच्छों के लिए ही होता है, लोग अच्छे के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आप अधिक से अधिक तंत्र से जुड़िए, लोग जो है इससे जुड़ करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही जो है आगामी अब जो है जुलाई के अंदर जो है एक ग्रहण पड़ने जा रहा है, उस ग्रहण के अंदर मूल रूप में आप अपने जो है तंत्र सिद्धि को जगा सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के अंदर मूल रूप में जो शक्तियां होती हैं वो 10 गुना जो है साधक को मिलती है। मान लीजिए अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी जो संख्या है वो 10 गुना आपको मिलती है। मान लीजिए अगर आप एक माला का आप मंत्र जाप करते हैं तो उसके स्थान पर आपको जो है 100 गुना उसका फल मिलता है। तो यही है कि ग्रहण काल में विशेषतः जो है इसका फल मिलता है। तो ग्रहण पे जो है अधिक से अधिक लोग इस तंत्र साधना को करें। ये होता है कि उसमें मंदिर में सिर्फ मूर्तियां वगैरह जो होते हैं उसको टच नहीं किया जाता, लेकिन मानसिक जप किया जाता है। भगवती जो है मानसिक पूजाओं से अधिक जो है प्रसन्न होते हैं। तो अधिक से अधिक लोग तंत्र से जुड़े और तंत्र को समझ सके कि तंत्र असल में है क्या, और यथाकथित तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि उस माँ भगवती को जानिए, उस माँ भगवती को मानिए, और यथाकथित तांत्रिकों के चक्रों में आप ना पड़े, गुरुओं को जानिए, गुरुओं को मानिए, क्योंकि गुरु के बिना देयर इज अ नो नॉलेज विदाउट अ कॉलेज। ठीक, तो बिना किसी गुरु के जो है आप तंत्र विद्या को सीख नहीं सकते। बस आप इसके रूल्स को फॉलो करें, आप इसके रूल्स को ब्रेक ना करें, अदरवाइज आपके लिए ये बिल्कुल भी जो है हार्मफुल नहीं है। ये बिल्कुल आपके लिए जो है एक पता है प्रोटेक्शन लेयर की तरह आपके लिए ये काम करेगा। ठीक, तो जय माँ कामाख्या, अधिक से अधिक लोग इसे जुड़ सकते हैं। यही हमारी शुभ आशीष है। धन्यवाद। जय माँ, आपका दिन शुभ।